अभी आलू भाई ने एक शेर पढ़ा कि मुझको भी अपना बना ले, कुर्बान मत के दे। शेर पढ़ा क्या? शेर पढ़ा कि मुझको भी अपना बना ले, कुर्बान मत के दे। पढ़ तो दिया शेर, अब सोचा है कि वो बनाएगा कैसे अपना। शेर पढ़ लिया, गजरे भी यूं कर ली, बाबा भी कर लिए, टिकट भी हो गया, लंगर भी हो गया, खाया खा गया। क्या ऐसे मुकर बनाएगा? अपना बनाने के लिए उसको यहाँ उतारना पड़ेगा, दिल में उतारना पड़ेगा। और दिल में तब उतरेगा जब हम उसके फरमान पर अमल करेंगे। देखे सरकार का नाम लेना, कसायद पढ़ना, दर पे जाना, हाजिरी लगाना, हाथ चूमना, दर को चूमना, ये मोहब्बत है, ये मिशन नहीं है। ये क्या है? मोहब्बत मिशन नहीं है। मिशन क्या है? मिशन ये है जो सरकार ने फरमाया कि खुद भी जिक्र करेगा और लोगों को उसकी दावत भी देगा। भाई हम जिक्र कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? बाप दोरा कोई बोलेगा अलग अलग कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं अपने लिए, नाते पढ़ रहे अपने लिए। वो कहते हैं कि हम जिक्र करेंगे अल्लाह बख्श देगा, गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं ना। हमने अलग लिए क्या किया? हमने मुर्शिद लिए क्या किया? दुनियावी मिसाल है छोटी सी कि जिस घर का नमक खाओ उस घर से नमक हलाली कर, ऐसा है ही नहीं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि खाते भी दे रहा है, पीते भी दे रहा है। तो इसी साथियों के हम ईमानदार से बता रहा कि हम उसके नमक का थोड़ा सा हक अदा कर रहे हैं। सरकार ने हमसे क्या मांगा? क्या हमसे सरकार ने हमारी जान मांगी? क्या मांग लिया? एक ही मांग लिया, वक्त 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 मिशन के लिए। जो मिशन अल्लाह रसूल का है, जो मिशन सरकार का है, उसके लिए वक्त मांगा है। और आज हम दुनिया में इतने फंस चुके हैं कि हमें ख्याल नहीं रहता ना सरकार का ना सरकार के मिशन। आज हमारी औलाद या हमारे माँ बाप बहन भाई उनको अगर तकलीफ हो जाए तो हम हर चीज भूल जाते हैं। ना वक्त देखते हैं, ना रात दिन देखते हैं, ना गर्मी सर्दी देखते हैं, ना पैसा देखते हैं। और जिसने हमें माँ बाप माने, जिसने हमें इंसानियत दिखाई, इंसानियत बताया कि इंसानियत क्या है, अशर मखलूक कैसे कहते हैं, वो नुक्ता हमें बता दिया। उसके लिए हम घर से नहीं निकलते। अजीज साथियों, अगर चाहते हो, अगर चाहते हो कि सरकार तुमसे राजी हो, तो जो चीज सरकार को पसंद है वो तुम्हारी फसल होनी चाहिए। और सरकार को पसंद है मिशन, जिसके लिए सरकार फरमा रहे हैं कि या इलाही तुम उनके गुनाह माफ दे, तुम उनकी नस्बत दे। और इस मिशन के आड़े में अगर हमारी औलाद आए, अल्लाह उसको उठा ले। इन औलाद से बढ़कर खुशी अजीज नहीं होती ना, कि सरकार दुआ क्या फरमा रहे हैं। इस मिशन के आड़े में अगर हमारी औलाद आए, अल्लाह को उठा ले। आप
कितना इश्क है किशन से, कितना प्यार है। और बैसे हमें पूरी बैसे गुलाम क्या हमें वो अजीज है? नहीं, हमें अजीज नहीं है। अगर अजीज होती तो आज यहाँ जगह ना होती। हमें अजीज नहीं है। जब घर का मालिक, मैं रुक कर बता रहा हूँ, जब घर का मालिक यानी कि बाप दुनिया से चला जाता है तो घर का निजाम घर भरम हो जाता है। ऐसी है ना जवाब के बाद अगर है मिल जाएगा। अगर बाप चला जाए दुनिया से तो घर के निजाम का क्या हाल होता है? घर भरम होता है, बच्चे खुदकर हो जाते हैं। ऐसे ही ना, पता है ना, बाप ने ड्यूटी से आना है और ना ही ऊपर से आना है, जो चाहे ना करो, ये होता है ना। तो एंड क्या होता है कि या घर अलग हो जाता है या बच्चे अलग हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं, आज हमने सरकार को कहां रखा है? मुझे सही जवाब दो। अगर तुम ये मानते हैं कि मुर्शिद हमारा है, हयात है, तो फिर ऐसा क्यों है? जिन्होंने सरकार को हयात माना, जिनको जिनका ईमान है कि सरकार हमें देख रहे हैं, सरकार हमारी हमारी खबर रख रहे हैं, तो वो कभी इधर से गुजर नहीं होंगे। वो सरकार के मिशन से प्यार करेंगे। और जिन्होंने ये शक मिले आए कि यार सरकार लाने नहीं है, सरकार गए बाप चल चलाओ है, खाना पूरी हो रही है, वो यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, ना दीन के और ना दुनिया के। सरकार का फरमान है ना कि कामयाब हुआ वो शख्स जिसको दो चीज़ें मिली, ऐसा कल जो हर वक्त अल्लाह अलग अलग, और ऐसा मुर्शिद जो दूर रहेगा खबर की करे। तो भाई खबर की वो करता है जो जिंदा हो, मरा हुआ खबर की नहीं करता। तो हमारा मुर्शिद हमारी खबर खा है ना, तो जिंदा है ना। जब जिंदा है तो हम लोग मर गए, जब हम मर गए तो साथियों सिर्फ आप लोग गुजारिश है मिशन में आओ। जो साथी नाराज हैं किसी भी हवाले पर उनको बना के लाओ। और साथियों से भी यही कहूँगा यार, हमें मत देखो, हमसे कोई गलती हो जाती है हम माफी मांग लेंगे भाई, सिर्फ सरकार की बात के लिए, सरकार के मिशन के लिए। आप और सरकार को देखो यार, क्यों अपनी कुर्बानियाँ जाया करेगा, अपने आप को क्यों जाया करेगा? आप लोग भी उनके पास जाएं जो सारी बैठे हुए घर में, उठे में कहेंगे भाई इसको छोड़ो, इसको देखो और सरकार की जात को देखो। और यकीन करो सांस का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब निकल जाए, अगली सांस का भरोसा नहीं है। जो सांस तुम्हारे अंदर है उसका काम मेरा भाई और सरकार की नहीं करना। देखो अभी आप पे लाजिम हो गया है, लाजिम हो गया है। तरत भाई ने जो बात की ना, ये हमारे सबके दिल की बात है, लेकिन हम इसमें क्यों सुस्त हुए हैं, हमारी समझ से बाहर है। खुदा के वास्ते अपने मुंह से तरत भाई ने इतनी बड़ी बात कर दी कि यार सरकार के मिशन के लिए सरकार की औलाद यहाँ बैठ के बोल रही है सबके दरमियान में कि हम माफ़ी तक मांगने को तैयार हैं। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ मिशन के लिए, कोई इनकी कोई जाति वो नहीं है किसी के साथ कि कोई इनको कोई फ़ायदा है या इनको कोई पूछाएगा तो दे देगा, ये इज्जत तो तकरीब के भी भूखे नहीं है। उनको पता है, सबको पता है ये बात कि कितने सादा है सारे बच्चे सरकार के, आपको सबको मालूम है ये बात। तो खुदा के वास्ते इस बात को समझो यार, और तमाम साथियों पर लाजिम है वो जाएं जिस जिससे रास्ते में उनको ये पैगाम दें, उनको बताएं। और जब दोबारा तरत भाई यहाँ आए तो मैं उम्मीद करूँगा मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी जाऊँगा लोगों के पास। इंशाल्लाह हम तरत भाई से वादा करते हैं, हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये पिंडाल आखिर तक भरा होगा। इतना मुर्शिद जिंदा है यार,
उनके चाहने वाले मर गए क्या? मैं भी यही बात कर रहा था खड़ा हुआ कि खुदा के वास्ते इस चीज को समझो, अभी इत्तेहाद की जरूरत है। अब सरकार का दौर आने वाला है, सरकार का दौर शुरू हो गया है। अब इसमें भी सोते रहोगे, सांस का कोई पता नहीं है, कोरोना इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, क्या मुंह सरकार के पास लेके जाऊंगा? मुझे बताओ, मुझ समेत, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी भी कर रहा हूँ, मैं इसमें खुश शामिल हूँ। किस मुंह से जाएंगे हम? जिनके तकिया है, जिन्होंने आगे बख्शिश मफरत करानी है जिन लोगों ने, हम उन्हीं का मिशन जो है वो उसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। अब बिल्कुल हमने चुप साध ली है। तो यार इतनी बड़ी बात हमें दलित साहब ने कर दी, इससे बड़ी बात तो मैं नहीं समझता कि कोई हो सकती। अगली इज्तिमाई दरूद में अगर ये पिंडाल नहीं भरा तो भाई फिर तो बस क्या है, और क्या हमारी औकात है, और क्या हमारी हैसियत है, और क्या हमारी सोच है, और क्या हम जाकिर हैं, और क्या हम वादा और हक निभाएंगे? फिर ये जवाब हम सरकार को ही देंगे। दलित भाई ने तो मैं समझता हूँ कि अपना काम पूरा कर दिया। नहीं, इंशाल्लाह ताला पिंडाल भरा होगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि खुशियाँ हैं, कोई नहीं, सरकार ग्रह हमारे और सरकार को मजबूत में रखें, सरकार राजी हो, और ये सब असल में बात नहीं है कि आप देखेंगे कि बकरी वाला चरवा जब वो बकरियाँ लेकर निकलता है ना जंगल में, तो वह छोड़ देता है, कोई बकरी कहाँ जा रही है, कोई बकरी कहाँ जा, छोड़ देता है ना, वो छोड़ देता है। लेकिन जैसे वहाँ बचते हैं वो एक आवाज़ लगाता है और एक बकरी खड़ी होती है। मेरा ख्याल है कि हम लोग भी ऐसे कर रहे हैं, हम आगे पीछे निकले हुए हैं, सुखा का टाइम आएगा, ये बकरा आएंगे, उन्होंने एक आवाज़ लगानी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो आवाज़ लगाना पहले जिंदा हूँ, जिंदा होंगे आपके कफरे में शामिल होंगे, वरना फिर भिड़िया खा जाएगा, ठीक है ना। तो दुआएं करो ताला हम तक मुसाफिर कर लो, हम राजी रहे हमेशा यहाँ पर, और हम अपने मिशन में काम करने के लिए ताला कॉफी का ताजा हमने सब करिए ना। आंखों बंद करिए।